जी जिंदाबाद, खजाना सागर जिंदाबाद, जिंदाबाद पांडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जितने भी गैर भाजपाई सरकारें हैं, गैर भाजपाई नेता पार्टियां आज देश के अंदर में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन सब मुख्य मुद्दों से जिसके कारण देश की जनता त्रस्त है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के वक्तव्य कर रहे हैं और कांग्रेस या अन्य सभी विपक्षी दल एक साथ आकर देश को अनकही आपातकालीन स्थिति से बचाने के लिए, देश की आर्थिक व्यवस्था की जो दुर्दशा हो रही है उससे देशवासियों को बचाने के लिए एक प्रयत्न शुरू है, जिससे निश्चित रूप से वो घबराए हुए हैं और उनकी असलियत जब लोगों के सामने आ गई है तो वो कुछ न कुछ बयान करके लोगों का ध्यान दिलाना चाहते हैं। इंडिया और भारत की ये लड़ाई जाती हुई कहाँ दिख रही है? देखिए, ये लड़ाई हमेशा से जब जब देश के अंदर में ऐसा महसूस हुआ, चाहे विदेशी ताकतें हों, चाहे ये साम्राज्य हो, जब लोगों को लगा कि उन्हें गुलाम समझा जा रहा है, इस देश की जनता को जोकू बनाया जा रहा है, तब तक कांग्रेस ने हमेशा अपनी आवाज दी और जितने भी समझदारी लोग हैं एक साथ आकर प्रदेश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। आज एक जिस प्रकार की अनकही आपातकालीन स्थिति है, जिस प्रकार के देश की राजनीति का स्तर गिर रहा है, देश में अर्थव्यवस्था की दुर्दशा हो रही है, इन सब से निजात दिलाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के हमारे माननीय अध्यक्ष गांधी जी के नेतृत्व और सुनील जी के मार्गदर्शन में ये एक प्रकार से एक आंदोलन शुरू है, जहाँ पे लोगों को जन जागृत करते हुए इन ताकतों को विरोध करते हुए एकत्र करना है और इन्हें सरकार से एकत्र करना है। आखिरी सवाल, जो सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी विशेष सत्र को लेकर, उसमें भी राजनीति